हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरे पास एक क्लासिक मैजिक इमेजिंग मशीन है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना? तो इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसके जो प्रोग्रामिंग है वो डिलीट हो चुकी है और इसकी लैंग्वेज वगैरह सारी चेंज हो चुकी है। तो जब प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है या डिलीट हो जाती है इसकी प्रोग्रामिंग, तो ये मशीन चलती नहीं है, ठीक है ना? तो इसका जो पैनल है, इसमें आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, इसकी सारी यहाँ पर लैंग्वेज आपको चेंज मिलेगी। तो इसको आज हम ठीक करेंगे और इसको मशीन को आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। कुछ कोड हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ कोड यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, ठीक है? ये मशीन का मॉडल नंबर है, ठीक है? तो हमारा एक नंबर से स्टार्ट होता है। ये सारे कोड हमको डालने पड़ेंगे, ठीक है ना? ये सारे कोड है हमारे पास, ठीक है? ये हमारा यहाँ से ये 54 तक हमारे कोड जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे हमें कोड मशीन में डालने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये एक नंबर से लेके और ये 54 तक है हमारे कोड। इसके अलावा भी हमें कुछ मशीन के अंदर एडिट करना पड़ता है, कोड डालने पड़ते हैं, तो वो सारे के सारे याद हैं, लेकिन ये 54 हमारे कोड हैं, तो इसको मैंने नोट कर लिया है, ठीक है ना? तो इसके अंदर हम आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता भी हूँ इसकी पावर ऑन करके, ठीक है? तो ये हमारी पावर रही, मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है ना? तो ये ऑन करके हमारे यहाँ आप देख सकते हो लाइट भी आ चुकी है, ठीक है ना? तो इसको अभी मैं इसकी एयर ऑन करता हूँ, ठीक है? तो इसकी और एयर को भी चेक कर लेना चाहिए हमारी, ये जो 6 बार आनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे इस जगह पे। तो हम इसकी एयर ऑन करते हैं। ये हमारा कवर भी ऊपर चले गए, ठीक है ना? तो आप यहाँ देखें, अभी तो यहाँ क्लासिक मैजिक इमेज दिखा रहा है, तो हमने इसकी इमरजेंसी बटन को ऑन कर दिया। इसको भी हम पुश करेंगे, इसमें भी लाइट आ चुकी है, ठीक है ना? तो आप जानते हैं, जब हम मशीन को इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसका मैं मॉडल नंबर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना? इसका ये मॉडल नंबर है, ठीक है, पूरी डिटेल है। ये मशीन इटाली की है, और एक बार मैं आपको दूर से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, चले मैं आपको दिखाता हूँ इसके कोड हम कैसे डालेंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं मशीन को, तो F1 दबाते हैं, ठीक है ना? तो अब आप ये यहाँ देखें, आप तो इसके ये सारे देखो, ये नंबर सारे हमारे ये चेंज हो चुके हैं, इसकी लैंग्वेज सारी चेंज हो चुकी है, ठीक है ना? अब इसको हम इसको इसकी लैंग्वेज भी ठीक करेंगे, इंग्लिश में लेके आएंगे। तो इसके लिए हमने ये मैंने आपको पेपर दिखा दिया था, उसके कोड है कुछ, वो मुझे डालने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो मैं वो पेपर भी ले लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास पेपर है, तो ये सारे के सारे मैं कोड आपके सामने ये डाल के दिखाता हूँ, ठीक है? और F1 एक बार मैंने दबाया था, तो आप इसको देखें, और दोबारा मैं दबाता हूँ, ये दो बार दबाना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए। तो ये देखें, तो अभी हमारा सब कुछ यहाँ पे जो चेंज होके रखा हुआ है, तो ये देखें यहाँ की इसकी जो वैल्यू है 5562.5 आना चाहिए, तो ये भी हमारी इसकी वैल्यू चेंज है, ठीक है? तो ये भी हमारी वैल्यू भी यहाँ पे एडिट करेंगे, इसको डालेंगे, ठीक है? वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है?
मेरे हाथ में ये पेपर भी है और मैंने कैमरा भी पकड़ कर रखा हुआ है, तो आप मैं इसको कैमरे को सेट कर देता हूँ ताकि आप अच्छा सा देख सकें, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा कैमरा सेट हो चुका है, मैं अब आपको ये कोड है, मैं आपको ये डाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए हमारा ये एक नंबर यहाँ से स्टार्ट है, एक नंबर में एक ही नंबर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे नंबर चलेंगे इस जगह पे और इस जगह पे हमको कोड डालना है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी एक नंबर है और यहाँ पर भी एक नंबर रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में आप देखें तो 01 ये लिखा हुआ है, तो हमको 54 तक जाना है, ठीक है ना। ये हमको 54 तक हमको ये लेके जाएगा और हमको ये सारे कोड डालने पड़ेंगे। तो एक नंबर में हमारे एक ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमको ये डालना आगे, ठीक है। और इसको हम आगे चलेंगे, इसको हम आगे करेंगे। ये देखें इसमें 20200 आ रहा है, तो हमको ये डालना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है ना, दो नंबर में। तो ये आप दो नंबर भी देखें, दो नंबर में हमारा ये आ रहा है कोड, तो हमको ये चेंज करके ये डालना है, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करते हैं। ये इंटर किया तो ये हमारे एक और नंबर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हम, ये 3100 ये हम डालते हैं। चलो ठीक है, फटाफट मैं डालता हूँ, ठीक है। देखें 53 में हमारा 1 आ गया और ये भी हमारा 53 में 1 है, और 54 में 0 लेना, तो ये 0 भी ठीक है। तो हमारी ये सेटिंग प्रोग्रामिंग ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो अभी भी मशीन हमारी स्टार्ट नहीं होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पेपर का मेरा काम हो चुका है, तो इस पेपर को मैं हटा देता हूँ। चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से बाहर निकले जी। फिर हमको पैरामीटर में जाना है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे ये हमारी लैंग्वेज है, तो हमको लैंग्वेज में हमको जाना है, ठीक है ना। ये इसको लैंग्वेज चेक करनी है हमको, हमारे इंग्लिश की तरह। जी ये मिली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, तो देखें आप यहाँ पे हमारा 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश को हमको यस करना है, ठीक है ना। ये हमारी इंग्लिश रही, यहाँ पे हमको ये यस करना है, तो हम इसको यस करेंगे तो हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट होगी इंग्लिश। तो सब कुछ हमारा इसका, एक तो लैंग्वेज भी ठीक हो गई और पहले हम इसको प्रोग्रामिंग भी हम कर चुके हैं इसकी, ठीक है। तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद में फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, मशीन अभी भी स्टार्ट नहीं होगी, एक स्टेप और बाकी है इसका, तब जाके ये मशीन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो देखें तो ये सेट पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है, एडिट आ गया और ये कट भी आ गया, ठीक है। तो अब हमको चलें, ठीक है, वहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं, ये ऑटो में जाएंगे, तो वो वैल्यू हमको एक यहाँ डालनी है, ठीक है ना। तो इस यहाँ वैल्यू हमारी आती है मशीन की, जो हम कट करते हैं, न्यू वैल्यू डालना 562.5, ठीक है ना। ये इंटर करना है, इंटर करके हम इसको मशीन को, ये दोनों हम बटन दबाएंगे, इसको अपनी जगह पर लेके आएंगे, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखें आप,
ये होगी इसकी वैल्यू। सॉरी, तो इसकी वैल्यू हमारी सेट हो चुकी है और ये भी ओके हमारा बोल के दिखा रहा है। तो हम इसके करते हैं, बाहर निकलते हैं ये, फिर हम कट में जाते हैं, ठीक है ना। हम कट में जा रहे हैं और यहाँ हम जा रहे हैं। अब ये देखिए कटिंग के लिए हमारी मशीन रेडी हो गई है, ठीक है ना। तो आपको देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट बोल के आ रहा है, ये हाइट बोल, ये बोल के आ रहा है कितनी क्वालिटी चाहिए, कितना हमको एल्युमिनियम में कितनी हाइट वगैरह होती है। और आगे जाएंगे तो हमारे ये 45 डिग्री वगैरह, यहाँ 90 डिग्री वगैरह हम सेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी भी स्टार्ट नहीं होगी, तो मैं दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 मीटर यहाँ पे, तो 1000 mm लिख देता हूँ। और एक ही पीस हमको चाहिए, चलो ठीक है, मैंने इंटर किया। ये हमको कुछ नहीं रखना, जीरो जीरो रखेंगे। जब हम 45 डिग्री कटिंग करते हैं तो उसमें हम यहाँ एल्युमिनियम कितना उसको देखना पड़ता है, कहाँ पे हमारा कितनी हाइट आ रही है, तो वो चीज़ यहाँ डालनी है 45 डिग्री के लिए, ठीक है ना। तो हम 90 डिग्री काटेंगे, तो हम यहाँ 90 डिग्री रख लिखेंगे ना, 90 हो गया, यहाँ भी हम 90 रखेंगे, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया और हम अभी आप देखेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो स्टार्ट मैंने किया, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि आप अपने बटन दबाएं, ठीक है ना। तो मैं बटन दबाऊंगा ये चीज़ देखें, तो देखें स्टार्ट नहीं हो रही है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो दिख रहा है निशान, ये बिलर्ड का निशान है, ये देखें मशीन अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। फिर मैं दबाता हूँ इसको, ये देखें फिर भी वही चीज़ है। आपको मशीन जब स्टार्ट होगी तो साउंड भी आ जाएगी, देखें अभी बिलेट भी ऐसी चल रहा है, तभी भी ये अपनी जगह पे, देखें फिर वही आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो हमको यहाँ से निकलना है, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ से निकलते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमको एडिट में जाना है, एडिट में जाकर पैरामीटर में जाना हमको, ठीक है ना। यहाँ भी इस जगह पे जाना है, F3 दबाना है जी। अब देखें यहाँ पे, देखें ये हमारा जो 45 और 90 डिग्री होती है वो यहाँ पर, ये इसका प्रोग्राम है वो ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसको फिर, ये लिखा हुआ है 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है लेफ्ट में और राइट में। तो इसमें हम दोबारा से जो है ना, ये 90 डिग्री हम डालेंगे, ठीक है ना। ये मैंने इंटर किया, अब ये दिखा रहा है यहाँ पे भी डालें। तो फिर मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ 90 डिग्री। इसके बाद में ये थोड़ा कुछ लैंग्वेज दूसरी आ रही है, तो इनकी कोई बात नहीं। अब ये कंफर्म दिखा रहा है, ठीक है ना। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ जो मैंने डाला है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, हेल्प की मदद से हमको यहाँ से बाहर होना है, ठीक है ना। हम हेल्प की मदद से बाहर हो गए, ठीक है। हम अपने कटिंग लिस्ट पर जा रहे हैं, ये हम कट में गए, फिर हम यहाँ पे आए, अभी हमारा फिर वो आ गया। तो आप देखें, मैं इसको दबा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, F1 दबाऊँगा ये। अब देखते हैं इसको कि हमारी स्टार्ट होती है नहीं होती मशीन। ये लीजिए, ये लीजिए, हमारा ये अभी देखें हेलो नहीं, तो हमारा कटिंग के लिए ये मशीन रेडी हो चुकी है, ठीक है ना। आप साउंड भी चेक करने होंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, सिखानी थी। तो दोस्तों अगर कोई आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा होगा समझ में तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा, या फिर मैं खुद करके आपको दिखा दूंगा, ठीक कर दूँगा आपकी मशीन, ठीक है ना। तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, चले एक छोटा सा पीस जो हम कट करके देखते हैं, और मैं अपना कैमरा दूसरी जगह पर चेक करता हूँ ताकि आप भी उसे देख सकें आप, ठीक है ना।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने इसकी प्रोग्रामिंग करी, किस तरीके से इसके नंबर डाले, एडिट किया हमने इसको। तो मशीन ये इस असल में इसमें कुछ दिन के बाद में अगर इसको स्टार्ट ना करें तो इसकी प्रोग्रामिंग चली जाती है, डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमेशा ऐसी वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। चले मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।